भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों, क्या तुम जानते हो किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है? उस रचनाकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। इन्होंने स्वयं ही संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं सीखी। हिंदी साहित्य में इनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में उनकी देन अपूर्व है। उनकी प्रमुख रचनाओं में से कुछ हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विषस्य विषमौषधम्, भारत दुर्दशा और नील देवी। बच्चों, 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने रचनाएं लिखनी आरंभ कर दी और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी थी। साहित्य की सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी समाज सेवा भी किया करते थे।